एक निजी एयरलाइन के लिए पहले में इंडिगो वंदे भारत मिशन में शामिल होने के लिए मनी कंट्रोल 21 मई 2020 9:24 बजे IST मनी कंट्रोल न्यूज द्वारा अब तक राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सभी उड़ानों का संचालन कर रही थी इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन विदेश में अटके भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन में शामिल हो जाएगा। एक निजी एयरलाइन में शामिल होने का पहला उदाहरण एक व्यायाम है जो आज तक एयर इंडिया का एकाधिकार था। 21 मई को एक बयान में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने कहा, यह मध्य पूर्व में 97 केरल पुनर्मिलन उड़ानों को संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है, सभी एहतियाती उपायों का पालन करते हुए उड़ानों को केरल और सऊदी अरब के साम्राज्य दोहा के बीच संचालित किया जाएगा। कुवैत और मस्कट इंडिगो को निजी एयरलाइनों को आवंटित कुल 180 प्रत्यावर्तन उड़ानों का लगभग आधा हिस्सा दिया गया है। सरकार ने मार्च में वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी, क्योंकि मार्च में राष्ट्रीय तालाबंदी लागू होने के बाद से विदेशों में फंसे हुए करीब 1.9 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था। वर्तमान में दूसरा चरण जारी है। अब तक एयर इंडिया और इसकी इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सभी उड़ानों का संचालन किया था। पहले चरण में 64 थे और दूसरे में 149 उड़ानें थी। उद्योग में एयर इंडिया के एकाधिकार के बारे में बड़बड़ाहट थी, क्योंकि इन उड़ानों के लिए भुगतान किया गया था। एयर इंडिया एक मनी कंट्रोल अनुमान के अनुसार प्रति उड़ान 40 लाख रुपए तक खड़ी थी। इससे पहले 21 मई को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उल्लेख किया था कि ये उड़ानें अब तक 20,000 भारतीयों को वापस ला चुकी हैं। हमने मध्य पूर्व से सरकार के प्रत्यावर्तन प्रयासों का समर्थन करने के लिए उत्सुकता व्यक्त की थी। ये विशेष उड़ानें मध्य पूर्व में हमारे नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती हैं। इंडिगो के CEO रोनो जॉय दत्ता ने एक बयान में कहा, 97 प्रत्यावर्तन उड़ानों में सऊदी अरब के साम्राज्य से 36 उड़ानें, दोहा से 28, कुवैत से 23 और मस्कट से केरल तक 10 उड़ानें शामिल होंगी। दोस्तों, इसी तरह का अपडेट अगर पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो।